Hey there, what's up? It's Ahmed. Welcome to Jara 56 tutorial. And in this tutorial, I will show you how to create a file. ठीक है, in secondary storage devices. So इससे पहले हमने couple of tutorial previous tutorial में हमने एक file check की थी कि हम IO के साथ काम करें तो कैसे. So इसमें दो concept थे. File जो use होनी थी हमारी file classes में final और हमने इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखा. तो इसमें हम देखेंगे फाइल कैसे क्रिएट करते हैं. इसमें मैनुअली की थी लास्ट टाइम हमने और इसमें हम थ्रू उसके करेंगे. सो यहाँ पे हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे. सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली हम सबसे पहले एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो होगी हमारी फॉर्मेटर और इसको हम नेम दे देते हैं एक्स. So what is this? So this variable allow us to move string. So input string in this variable. So file. So ये जो x variable है क्या है हमारा formatter कि ये हमें allow करेगा कि strings को files में कैसे input करेंगे. So that's it for now. उसके बाद try block. So हम क्या करना चाह रहे हैं, file create करना चाह रहे हैं. तो हम try करेंगे हमारा code और उसके साथ साथ उसका catch block. सो अगर आपको नहीं पता कि क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो आप यू शुड गो एंड वॉच माय ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. आई गेस इट्स 54th और 55th ट्यूटोरियल. सो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन ए फॉर नाउ, इट्स इनफ. और उसके बाद यहाँ पे हम बाद में करेंगे, ठीक है. उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना, ट्राई ब्लॉक में what we want to try, we want to create a file into our computer. So क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो हमने x formatter variable create किया उसमें new, ठीक है, और formatter. So इसके हम as a constructor एक name pass करेंगे like, so इस file को मैं देता हूँ balloon dot sorry. So कौन सी फाइल के, balloon dot text. सो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ. एज अ कंस्ट्रक्टर ये नेम रिसीव करेगा और उस फाइल को क्रिएट करेगा, सिर्फ इसका ही काम यही है, ठीक है. उसके बाद एक मैसेज दूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं सिर्फ मैसेज दूंगा कि यूजर फाइल इज क्रिएटेड और रॉन्ग प्लेस फाइल इज क्रिएटेड. सो उसके बाद ये मैसेज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और अगर नहीं क्रिएट होती तो एक्सेप्शन में हमारे अगर कोई भी एरर आता है लाइक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नेम से, जो भी एरर है जो एक्सेप्शन हैंडल करेगी. सो योर फाइल इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द कोड. एक इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले. सो सबसे पहले मेरे पास ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है इस नेम से, जैसे ही रन करेंगे तो कहेगा योर फाइल इज क्रिएटेड. सो वेयर इज माई फाइल, जो एक्चुअली जो मेरी फाइल होगी वो कहाँ सेव होगी, जो भी मेरा प्रोजेक्ट नेम है वर्क प्लेस में जाके जहाँ पे क्लिप्स का है. सो कैसे, सिंपली क्या करूँगा मैं इसको, जैसे ही जाके यहाँ पर मैं इसको जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें मेरी फाइल जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए. सो चेक करते हैं हमारी फाइल कहाँ क्रिएट हुई है. तो जैसे इसको हम कहेंगे कंप्यूटर में जाने के बाद, यूज़र में जाने के बाद, हम अहमद में जाके मेरे जो यूज़र नेम, उसके बाद वर्क प्लेस में जाने के बाद जो प्रोजेक्ट है मेरा उसमें जाना है और ये देखा बैलून डॉट. सो बैलून इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज में देखें तो ये रही हमारी नोटपैड डॉट टेक्स्ट की फाइल सेव हो गई. सो दिस इज द आईओ वे थ्रू यू कैन क्रिएट अ फाइल इन टू योर डायरेक्टरी और कंप्यूटर. सो होपफुली गाइज यू अंडरस्टैंड एंड if you have any problem you can ask me and don't forget to subscribe my channel and yeah see you in the next video.